वेलकम टू माय चैनल किचन विद अदीला। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कैप्सिकम फ्रिटर्स की रेसिपी, यानी शिमला मिर्च के पकोड़ा की रेसिपी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ में दिया गया बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। व्यूवर्स, यूजली जो फ्रिटर्स बनाए जाते हैं उसमें हम अनियन और पोटैटो का यूज करते हैं या समटाइम कोई भी दूसरी वेजिटेबल्स को मिक्स करके फ्रिटर्स बना लिए जाते हैं। आज हमने जो आपके लिए रेसिपी रेडी की है, इसमें हमने मेन इंग्रेडिएंट कैप्सिकम रखा है। तो आप चाहें तो किसी भी कलर की बेल पेपर या कैप्सिकम आप यूज कर सकते हैं, यहाँ हम ग्रीन लेंगे। इसके लिए कुछ ये मैंने वेजिटेबल्स ली हैं। सबसे पहले कैप्सिकम मैंने लिया एक बड़े साइज का और उसे इस तरह से फाइनली चॉप कर लिया। उसके अलावा टोमेटो लिया है एक बड़े साइज का और उसे भी चॉप कर लिया। अनियन ली है मैंने एक बड़े साइज की और उसे भी मैंने चॉप कर लिया। इसके अलावा डो बनाने के लिए हमें यहाँ कुछ ड्राई पाउडर्ड इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी। उसमें ग्राम फ्लावर है 1/2 कप, कॉर्न स्टार्च है 1/4 कप, राइस फ्लावर है 1/3 कप। तो इन तीनों की क्वांटिटी का प्रोपोर्शन आप देख लें, अगर ज्यादा करना चाहें तो इसी हिसाब से आप ज्यादा करें। तो कुछ स्पाइसेस जाएंगे इसमें। उसमें जो हमें चीजें चाहिए, सॉल्ट यह है 1 टीस्पून, रेड पेपर पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमन पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। तो सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक आप सेट कर लें। कुछ चीजें यहाँ हमें चाहिए होंगी गार्निशिंग के लिए, यानी फ्रिटर्स बनाने के लिए। उसमें मैंने ये ग्रीन चिलीज ली हैं होल और ब्लैक ऑलिव्स लिए हैं, इन्हें मैंने राउंड काट लिया। कुछ कैप्सिकम्स को मैंने इस तरह से काटा है मोल्ड बनाने के लिए। वाटर जाएगा इसमें। इसके अलावा आप कोई भी और मोल्ड्स यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हम आपको दोनों तरह के मोल्ड्स, यानी कैप्सिकम भी और ये दूसरे मोल्ड्स भी यूज करके दिखाएंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक बाउल ले लिया मैंने बड़े साइज का, इसमें मैंने सारी वेजिटेबल्स डालूंगी। अब कैप्सिकम डाल दी है, अनियन ऐड कर दिए, टोमेटोज ऐड कर दिए, ड्राई स्पाइसेस ऐड कर दूंगी, मिक्स कर लें थोड़ा सा। अब इसमें पाउडर्ड इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे हम, ग्राम फ्लावर, कॉर्न स्टार्च और राइस फ्लावर। अब इसमें वाटर ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। वाटर उतना ऐड करेंगे जितना कि हमने डो को पतला करना होगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। राइस फ्लावर डालने से इसमें काफी क्रंचीनेस आ जाता है। और कॉर्न स्टार्च यूज करने से इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। तो ये मिक्स हो गया है हमारा, ये देखिए इस तरह से बैटर होना चाहिए। एक पैन लिया मैंने, उसमें ऑयल को मैंने हीट कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें हम अपने मोल्ड्स रख लेंगे। ये पहले मैंने कैप्सिकम के मोल्ड रखे हैं अपने और इसकी फिलिंग कर देंगे हम बैटर के साथ, जो हमने बैटर रेडी किया है। इस तरह से इसे फिल कर देंगे। फिलिंग हो गई इसकी। अब इस
इसे गार्निश कर देंगे ब्लैक ऑलिव्स के साथ। और ग्रीन चिलीज के साथ। तो आप जिस शेप में चाहें उसको गार्निश करें। मैंने इनकी बड़ी क्यूट क्यूट स्माइलीज बना ली है। बच्चों के लिए ये बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं इस तरह से। तो ये एक तरफ से फ्राई हो गए हैं। थोड़ा सा मैं इन्हें प्रेस कर दूंगी ताकि हमारा जो गार्निश्ड मटेरियल है वो डिस्प्लेस ना हो जाए। तो देखिए इस तरह का कलर हमने दे लेना है दोनों साइड्स पे। हाई फ्लेम पे फ्राई ना कीजिएगा, उससे ये होगा कि ये अंदर से प्रॉपरली कुक नहीं होंगे। तो इसी तरह का कलर मैंने दूसरी तरफ दे लिया है। अब मैं इन्हें डिश आउट कर लूंगी। स्क्वायर मोल्ड्स ले रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी हार्ट शेप या फ्लावर शेप कोई भी मोल्ड ले लें। अगर आप मोल्ड्स यूज नहीं करना चाहते तो उसके बगैर भी आप इसको बना सकते हैं। जैसे कि आम पकोड़े वगैरह बनाए जाते हैं उस तरह से आप इसको स्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा डालें ऑयल में और इनकी फ्राइंग कर लें। मोल्ड में डालने के बाद मैंने इसे सेट कर लिया है। अगेन मैं इसकी भी गार्निशिंग कर दूंगी ऑलिव्स और ग्रीन चिल्ली के साथ। पलट लेंगे इसको। और ये रेडी हो गया। अब मैं इसे डिश आउट कर लूंगी। तो इसी तरह से हम तमाम फ्रिटर्स रेडी कर लेंगे। बहुत यमी और टेस्टी बनते हैं फ्रिटर्स। ये देखिए इसकी दूसरी साइड भी। तो घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी न्यू यमी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तो दुआओं में याद रखिएगा एंड कीप वॉचिंग किचन विद अदीला।